हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो मिस्त्री लोग जिस चीज़ को जो कंपनी वाले, एजेंसी वाले, जो मशीन वाले हैं, जो सबसे पहले उस चीज़ को ही चेंज करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसे चेंज करने से हमारी मशीन की ना वो धागा काटेगी, ना वो टाप बड़े बड़े टाँके देगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मोटे पे भी अच्छे से चला सकते हैं और हर कपड़े पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या चेंज करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो भी माताएं बहनें वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मशीन की जो भी प्रॉब्लम आती है हमेशा यहाँ से आती है, इस इतने सिस्टम से सारी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पटरी को खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, काट काट के ना देखा करें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आती है, हमारी ये हमारी पटरी, इस पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये कट जाती है और आप लोग इस पे गौर नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि बस सुई चेंज कर ली, या शटल में दिक्कत है, या डिब्बी में प्रॉब्लम है, बस यही देखते रहते हैं और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल गौर नहीं करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, देखने में तो बिल्कुल सही लग रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आप खुद देख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये धागा चलने की वजह से, सुई टूटने की वजह से ये कट जाती है, और फ्रेंड्स कटने के साथ साथ ये घिस भी जाती है। तिरछा करके आपको शायद दिखाएं तो आपको सही से समझ में आए कि ये घिसी हुई है या नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बिल्कुल गड्ढा सा हो गया। इससे क्या होता है, जब आप लूज वाला फैब्रिक चलाते हैं, जैसे कि होजरी वाला होता है, तो उस पर चूका मारती है, टाँके छोड़ती है। क्यों छोड़ती है, क्योंकि इसमें ये झेंक इतना बड़ा हो गया है, इसका जो झेंक बड़ा हो गया, इसकी वजह से टाप मारने लगती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना, पटरी को चेंज ज़रूर करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, ऐसी धागा काटे, तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें स्क्रैच इतने पड़ गए हैं, इसकी वजह से जब धागा हमारा क्रॉस होता है तो इन स्क्रैचों में उलझ के और टूट जाता है धागा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी सुई ख़राब है या हमारी शटल ख़राब है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिब्बी आपको नई दिखाएंगे, और नई कौन सी और कैसी, किस कंपनी की लेनी चाहिए, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसे ज़रूर ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, एक डिब्बी हम लेके आए हैं मार्केट, वो एक पटरी लेके आए हैं मार्केट से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू पटरी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये न्यू पटरी है। अब इसका ये वाला बीच वाला सुई वाला होल देख सकते हैं कितना छोटा है, और इसका होल देखें तो इसकी कंडीशन क्या है। अब जब फ्रेंड्स, जब कंडीशन ये होगी तो हमारी मशीन धागा काटेगी 100%, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है। तो फिर धागा काटना और जितनी भी समस्याएं हैं वो सब आएंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पे हाथ फिराएं तो एकदम स्मूथ है, एकदम बढ़िया चल रही है, यानी कि उंगली अच्छी से बिल्कुल चिकनी है, और यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं है, क्योंकि ये नई है। और ये आप खुद देख सकते हैं, इस पर अगर ऐसे हाथ फिराएं तो कपड़ा भी उजेगा, क्योंकि उंगली जब इसमें फंस रही है, आपको आवाज़ भी सुना दें, खटर खटर कर रही है। और ये फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें करने से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या है कि कुल मिला के आपको सबसे पहले पटरी चेंज करनी है। पटरी कौन सी कंपनी की लेके आनी है, पटरी आप देख सकते हैं, ये हमारी पटरी JPN लिखा है इसमें, मतलब अब ये जापान की हो या कुछ भी हो, लेकिन ये पटरी नंबर एक की है। फ्रेंड्स, जब भी आप मांगें तो नंबर एक की पटरी मांगें, क्योंकि लोकल क्वालिटी की भी आती हैं, वो पटरियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी अमर कंपनी की पटरी है, JB कंपनी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अमर कंपनी की है, और ये इस पे मशीन भी छपी हुई है, तो अच्छी कंपनी के लेके हैं। अब हम आपको लगा के दिखाते हैं और फिर चला के भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं लगाने की, ऐसे करके पटरी को कस लेंगे। फ्रेंड्स, एक सेटिंग और हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ध्यान रखें, अगर वो सेटिंग आपने नहीं की तो फिर आपकी मशीन सुई भी तोड़ने लगेगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो सेटिंग ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
फ्रेंड्स ये तो हमने पटरी कस ली है। अब हम कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बूट है ये सुई के जस्ट सेंटर में नहीं होता, दिखा दें आपको। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, सुई के सेंटर में अगर झेंक नहीं होगा तो फिर सुई तोड़ने लगेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पटरी लगाने से पहले अगर सेंटर पे नहीं है तो आप पैंच को हल्का ढीला करके और पटरी को इधर उधर घुमा के, पटरी को इधर उधर करके तब पैंच को कसें। उसके बाद सेकंड नंबर यह है कि अगर हमारा बूट एक साइड को है, मतलब हमारा बूट जैसे इस साइड को है और टच हो रहा है, तो फ्रेंड्स अगर हमारी जे चीज़ बूट अगर साइड में टकरा रहा है सुई से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके घुमा लेंगे, जिस साइड भी टकरा है उस साइड करके हमें बीचों बीच में बिल्कुल रखना है और बिल्कुल सेंटर पे हमें रखना है। तो फ्रेंड्स जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी पटरी एकदम सही चलेगी और सुई भी नहीं तोड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।